मजा आ गया भाई चला के। हॉर्न तो भाई आफ्टर मार्केट है, बाकी हैंडलिंग का तो मैं फैन हो गया। देख रहे हो क्या गाड़ी चल रही है भाई, इसमें मोटा टायर भी आता है, पीछे से भी देखने में भड़कदार सा लगता है भाई। लेकिन मैं सुजुकी से एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इसमें पावर वगैरह बढ़ाओ यार, फीचर्स वगैरह दो यार। कब तक मतलब ऐसी गाड़ी को रखोगे, लीज सेलिंग में आती रहे। हेलो भाई, मवंगित भाई आज अपने पे वही गाड़ी है फिर से, देख लो जिक्सर 155। आज अपन इस गाड़ी को चला के देखने वाले हैं। मैंने उस वीडियो में देखा था भाई, भाई ने बहुत ही ज़्यादा तारीफ करा था, क्या वो तारीफ सच्ची है या फिर गलत है भाई, वो आज इस वीडियो में पता अपने को चल जाएगा। बाकी ओवरऑल गाड़ी देखो भाई, मस्त लगती है यार। उस वाले वीडियो में मैंने आपको दिखलाया था ना, अभी चलाते हैं भाई फटाफट, परफॉर्मेंस वगैरह कैसा कर रही है। गाड़ी बहुत ही पुरानी हो चुकी है, ये PS4 वाला मॉडल है, इसमें कैटलिटिक कन्वर्टर वगैरह नहीं है। तो बैठते हैं जी, देख लो इसका एनिमेशन, मतलब मस्त लगता है भाई देखने में एनिमेशन वगैरह। इसका हैंडलिंग वगैरह मस्त है यार, आप बिल्कुल ही अलग बैठते हो, जैसे MT15 है ना वैसा ही जस्ट बैठते हो, आप कभी नोटिस करना बैठ के भाई। बाकी इसमें और BS6 वाले में कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, इंजन वाइज भी कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बस उन्होंने थोड़ा सा स्मूथ करा है। फीचर्स वगैरह बस वही है भाई, जैसे इसमें बेसिक्स आए ना, पावर वगैरह भी ऑलमोस्ट वही है, 13.41 BHP और 13.8 Nm का टॉर्क मिल जाता है, यही भाई इस गाड़ी का पावर है। बाकी इंजन वही अपने को 155 cc का मिलता है। ब्रेक यार इसका बहुत ही गंदा है भाई, पीछे वाला लग ही नहीं रहा यार, ब्रेक शू खराब है ना, मेरे को फ्रंट वाले से ही काम चलाना पड़ेगा यार। मतलब एकदम आगे बैठा हूँ, लग रहा है कि यहाँ पे मुंडी है मेरा, ऐसा फील आ रहा है। ओए होए होए, पिकअप का तो मैं फ़ैन हो गया भाई, मैं पहली बार सुजुकी का प्रोडक्ट चला रहा हूँ। जैसे स्कूटर तो मैंने चला रखा है, लेकिन बाइक की बात करते हो ना, नहीं मैंने हयाटे चलाया है, जिक्सर में कोई सा भी मॉडल नहीं चलाया, और इंट्रूडर तो चलाया ही नहीं भाई। हालांकि इंट्रूडर अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है अपने इंडिया में। ओए होए, टर्निंग का तो मैं भाई क्या ही बताऊं भाई साहब, क्या इनिशियल है भाई, मतलब 13.8 Nm का टॉर्क है बस, और थ्रॉटल देते हो ना भाई, ए अंकल जी आराम से, जैसे थ्रॉटल देते हो ना भाई फटाक से रिस्पॉन्स मिलता है। देखना बस स्पीडोमीटर पे ध्यान देना, देख रहे हो पनाक से स्पीड पकड़ रही है। बाकी ये गाड़ी भाई 37,639 किलोमीटर चल चुकी है, इस टाइप का अपने को मिरर वगैरह मिल जाता है भाई। अभी मैंने 70 तक पहुंचाया है इसको, वाइब्रेशन फील नहीं हुआ भाई, फुटबैक्स वगैरह पे थोड़ा सा माइनस सा वाइब्रेशन है, बाकी ऐसा हैंडल बार पे आपको वही इंजन वाला फील आता है, गाड़ी में इंजन है ना तो वो स्टार्ट है तो वो वाला फील आता है, वो तो खैर ज़्यादा मेजर इशू नहीं है। लेकिन भाई ने यार 100% सही कहा कि मेंटेनेंस करके रखोगे ना भाई, कोई भी कंपनी हो, बजाज हो, आपकी सुजुकी हो, TVS हो, गाड़ी एक नंबर चलेगी। बाकी इसका सीटिंग पोजीशन मेरे को अल्टर जैसा लग रहा है भाई, मैंने ऐसा गाड़ी चलाया नहीं है ना, ये फ्यूल टैंक से आप दब जाते हो। बाकी यहीं से अपन टर्न लेते हैं भाई साहब, फेयरिंग वाले मॉडल का टर्निंग रेडियस ज़्यादा होगा, लेकिन इस वाले मॉडल का टर्निंग रेडियस बहुत कम है, माइनर सा जगह में आप मुड़ा सकते हो। पावर डिलीवर वगैरह बहुत ही मस्त कर रही है भाई, BS6 वाले में तो और भी आपको स्मूथ इंजन मिलेगा, सुजुकी वाले बस थोड़ा सा पावर इंक्रीज कर देना भाई, मतलब इंजन वाइज बहुत ही गाड़ी मस्त हो जाती है भाई। देखो फ्यूल एफिशिएंसी का तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, भाई तो कह रहे थे 40 का अपने को फ्यूल एफिशिएंसी जिक्सर में मिल जाता है। जैसे मेरे टाइप के पंची गाड़ी चाहते हो तो 150 cc सेगमेंट में जैसे पावर खराब डिलीवर नहीं कर रही है भाई, थ्रॉटल दे रहे हो, फटाक से भाग रही है। बाकी अभी भी गियर शिफ्टिंग भी अच्छा है, जैसे आप दबाते हो ना तो आपको फील आता है कि हाँ भाई आपने कुछ दबाया है, ऐसा फील होना चाहिए गियर शिफ्टिंग में, मैं हरदम हर गाड़ी में बोलता हूँ। 5 गियर में अभी 40 के स्पीड में है, 5 गियर में लग रहा है भाई कि स्ट्रगल कर रही है इंजन। बाकी 4th नंबर देते हो, 4th नंबर में भी इसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, 3rd नंबर में लोअर RPM पे बढ़िया चल रही है। देखो 4000 RPM है, 4th गियर देता हूँ, 3000 के बाद स्ट्रगल नहीं कर रही, 3000 के नीचे स्ट्रगल करने लग रही है, लग रहा है कि इंजन पे वो जोर आ रहा है भाई। बाकी इसके मीटर कंसोल में कुछ ज़्यादा फीचर्स नहीं आता यार, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, टाइम वगैरह, फ्यूल गेज वगैरह, गियर पोजीशन वगैरह मिल जाता है। जैसे ही थोड़ा इसको यूज कर लोगे ना तो ये हैंडी टाइप का हो जाएगा भाई, आप आराम से इसको कहीं पे भी नचा सकते हो, कहीं पे भी घुमा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके हैंडलिंग की बात करते हो ना, ये जैसे इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा रखा है, आज की डेट में जैसे वो नहीं आ रही है पल्सर N160, जैसे ऐसे प्राइस वाइज देखोगे ना तो हर गाड़ी एक दूसरे से कम्पिटिट कर रही है, 150 cc सेगमेंट की हो गई, 160 cc सेगमेंट की हो गई, सब कम्पिटिट कर रही है। तो भाई उसी टाइप के इसमें हैंडल बार है, उसमें क्या है ना ऐसे पाइप दिया है, फिर ऐसे थोड़ा सा उठा दिया उन्होंने, ये सीन है। लेकिन इसमें क्या है कि यहीं से इन्होंने घुमा दिया है, ये पता है कितने 1000 RPM पे ये गियर मांगने लग रही है, रुको मैं आपको बताता हूँ फिर से नोटिस करके। ब्रेक की वजह से थोड़ा सा डर लग रहा है भाई सिटी में यूज करने में,
यार 8000 के बाद भाई गियर मांग रही है यार। भाई साहब कितना मेंटेनेंस कर रखा है भाई ने यार। मजा आ गया भाई चला के। हॉर्न तो भाई आफ्टर मार्केट है, बाकी हैंडलिंग का तो मैं फैन हो गया। देख रहे हो क्या गाड़ी चल रही है भाई, इसमें मोटा टायर भी आता है, पीछे से भी देखने में भड़कदार सा लगता है भाई। सिटी में भी यूज करना बहुत ही ईजी है भाई, आराम से आप इसको कहीं पे भी नचा सकते हो, कहीं पे भी घुमा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सस्पेंशन थोड़ा सा यार, सस्पेंशन गंदा हो गया है भाई। फ्रंट में तो टेलीस्कोपिक है, रियर में आपको वही हाइड्रोलिक टाइप वाला नहीं मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, सिंगल सस्पेंशन इसमें आता है। अभी देखो मैं टर्न करता हूँ, बहुत ही कम एरिया में टर्न हो गई भाई, बहुत ही कम एरिया में। आइए आइए आइए, मतलब कुल मिला के बात करूँ ना भाई, इंजन वाइज तो मेरे को गाड़ी अभी भी बढ़िया लगी। मतलब 40,000 चलने वाली है, 40,000 कुछ होता है भाई। ये पता है फ्रंट वाला ब्रेक ले रहा हूँ ना, देखो ना ये लग रहा है हैंडल ढीला है, ढक 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 कर रहा है। बाकी इसमें सिंगल चैनल ABS आता है यार, ब्रेक्स बढ़िया लग रही है, हैंडल बार पता नहीं कैसे हो रहा है। देखो लोअर RPM में वाइब्रेशन तो नहीं है इसमें। ओ भाई क्या ही पंच मिल रहा है भाई, और एक जोश नोट इसमें ड्यूल बैरल आता है भाई साहब, दिल खुश कर देगा यार भगाने के मामले में भाई। मस्त भाग रही है यार, कुछ भी कहूँ। बस एक और चीज़ अल्टर लग रहा है इससे मेरे को, एंड ये सिटी की पोजिशन, मतलब मेरे को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा भाई। थोड़ा कॉर्निंग पे भाई, यार मोटा टायर है ना, कॉर्निंग वगैरह भी करने में आपको मज़ा आएगा, फील्स आएगा भाई। ये छटकने उटकने का डर इसमें नहीं है। अभी ब्रेक की वजह से मैं मार खा जा रहा हूँ, भगा नहीं पा रहा। अगर ब्रेक थोड़ा सा बढ़िया होता ना, फिर तो भाई कहना नहीं होता, मैं ना चाहता यार इस गाड़ी को। सस्पेंशन भाई बहुत ही गंदा हो गया इस गाड़ी का, देख रहे हो 3000 पे भी पिकअप अच्छा खासा पकड़ ले रही है। मतलब किसी भी आप गियर में हो, आप बस थ्रॉटल दो, देन उसके बाद भाई कमाल देखो। अगर आपका हाइट 5.5 फीट भी है ना, आराम से इस गाड़ी को चला सकते हो। बाकी फ्यूल टैंक का भाई, मतलब देखो ये पोजीशन हो गया भाई, यहाँ पे पैर वगैरह आपका चिपक जाता है फेयरिंग पे। हालांकि इसमें टैंक पैड वगैरह नहीं है भाई, मतलब लॉन्ग ट्रैवल करते हो तो ये शायद से जलने लगे, उसका बात अलग है। यहाँ पे टैंक पैड होता तो और भी मज़ा आता, आप एसेसरीज वगैरह में ले सकते हो। बाकी पीछे का स्पेस, वही सिंगल सीट है ना भाई, तो मतलब पिलियन तो इतने जगह में आपका लॉक हो जाता है। ये देखो ये बहुत ही फिसलन है, मैं मतलब झटक के यहाँ पे आ जाता था, ये सीन है भाई। बाकी मतलब देखो एज एज मेरे को उतना कंफर्टेबल नहीं लगा भाई, जैसे सिटी वगैरह में यूज करने के लिए एक नॉर्मल सी सीटिंग पोजिशन वाली गाड़ी हो गई, जैसे अपाची वगैरह कंपीट करती है ना भाई, पल्सर N160 मैंने देखा था, मतलब बहुत ही एग्रेसिव टाइप की हो जाती है गाड़ी। आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग भाई, अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो ना, अभी तो ये चल रही है भाई, BS6 में आपको मिलेगा 1.5 लाख के अराउंड इसका ऑन रोड प्राइस चला जाता है, तो एक बार आप टेस्ट राइड ले लेना, सिटी में यूज कर लेना। सस्पेंशन अभी बहुत ही गंदा हो चुका है भाई, देख लो इतना मोटा सस्पेंशन है इसमें, पता नहीं है कितना स्टॉक है। बाकी रियर में वही मोनोशॉक है भाई, पीछे वाला बाइट खराब हो चुका है, ब्रेक वाला इसमें भी रियर में भी डिक्स आता है, फ्रंट में भी डिक्स आता है, लेकिन चैनल आपको एक ही साइड मिलता है वो फ्रंट में। माइलेज वगैरह एक नंबर देना तो बहुत ही वैल्यू फॉर मनी गाड़ी हो सकती है। लेकिन मैं सुजुकी से एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इसमें पावर वगैरह बढ़ाओ यार, फीचर्स वगैरह दो यार। कब तक मतलब ऐसी गाड़ी को रखोगे, लीज सेलिंग में आती रहती है, इतना पावरफुल गाड़ी, इतना अच्छा इंजन, स्मूथनेस बताओ, 40,000 चलने वाली है फिर भी इतना स्मूथनेस, वाह भाई वाह। सुजुकी आपको दाद देना पड़ेगा भाई इस इंजन का, समझ रहे हो ना भाई, मस्त गाड़ी यार चलाने वाइज। यहाँ पे इन्होंने सुजुकी इको परफॉर्मेंस लिख रखा है ना, वो परफॉर्मेंस भाई अपने को इस गाड़ी में मिलता है, ओवरऑल गाड़ी का लुक देखो भाई। बाकी एक और बात भाई, बहुत भाई कमेंट करेंगे मेरे को कि ये BS4 वाला मॉडल क्यों चला रहा है, BS6 वाला मॉडल चला के देखा ना। तो देखो अभी वो गाड़ी अरेंज नहीं हो पा रहा है, मैं जल्दी चलाऊंगा भाई, मेरे को अब मन हो रहा है कि BS6 वाला भी चला के देखो। मेरे को ऐसा जिसका परफॉर्मेंस चेक करना था, जैसे भाई तारीफ़ कर रहे थे ना, वो सही तारीफ़ कर रहे थे या फिर नहीं कर रहे थे, ये मेरे को चेक करना था भाई। भाई एकदम सही तारीफ़ कर रहे थे यार, कुछ भी कहो, मम्मी वम्मी इस बाइक पे नहीं बैठ पाएंगी, समझ रहे हो ना। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।